झारखंड राज्य के गुमला जिले का छोटा सा गांव नवाडी, जहां न बिजली की पूर्ण व्यवस्था है न ही आवागमन के लिए कोई अच्छी सड़क, मगर किसे पता था कि इसी छोटे से गांव से एक अंतरराष्ट्रीय एथलीट पूरी दुनिया में अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरे राज्य और देश का नाम रोशन करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और आज की स्पेशल स्टोरी में मैं प्रभा शर्मा लेकर आई हूं झारखंड की ही एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जिसको देखकर शायद आप भी हैरान हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी फ्लोरेंस बारला की, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना दौड़ प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता है, जिसने हम सबको काफी गौरवान्वित भी किया है। मगर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, इसकी पड़ताल करना शायद किसी ने उचित नहीं समझा होगा, जिसके कारण आज घर में गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट बेटी होने के बावजूद उनके परिवार को आर्थिक संकटों से जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खिलाड़ी फ्लोरेंस बारला गुमला जिले के कामडारा प्रखंड स्थित रेड़वा पंचायत के अंतर्गत गांव नावाजी की रहने वाली है। फ्लोरेंस बारला है, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गाँव नावाजी की रहने वाली हूँ। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ और मेरे कोच का नाम है आशु भाटिया। मैं शुरू से ही आशु भाटिया सर के पास रही हूँ, उन्हीं के अंडर में रह के मैं प्रशिक्षण ले रही हूँ और आज हम यहाँ तक पहुँचने का श्रेय आशु सर को जाता है और उन्होंने ही मेरे छोटे से छोटे ज़रूरत को पहचाने जाने। जितना मुझे अपने खुद के बारे नहीं पता, उतना मेरे कोच को पता है। और अभी लॉकडाउन में भी घरों में प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने घर मुझे बुलाया और वहीं पर अपने घर में रख के ट्रेनिंग दिए और अपने ही उन्होंने बहुत मदद किया और रहने खाने से लेकर हर चीज़, हर एक चीज़, एक भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। आज जितना भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ये असर नहीं, उन्हीं के द्वारा मैं इतना कर पा रही हूँ। और अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी वे बहुत अच्छा से ट्रेनिंग देंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कब का जो ट्रायल कब होने वाला है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अगस्त में 16 से 18 2021 को चाइना में आयोजित किया जाएगा। उसके लिए अभी से ही तैयारी कर रहे हैं और अभी घर का जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे उसमें भी आशु सर ने ही, उन्हीं के द्वारा ये सारा इतना संभव हो पाया कि आज मेरे घर पे राशन कार्ड नहीं था। मैंने अपने कोच को भी बताया तो उन्होंने आगे बात किए और आज उन्हीं के बदौलत मेरे घर का राशन कार्ड या मेरे घर का जो भी परिस्थिति है वो अब धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। वो मेरे ऊपर बहुत बिलीव करते हैं और मैं भी उनके ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। आने वाले दिन में वो बहुत अच्छे से मेरे देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं सिटी के लिए जो ट्रायल रखा गया था भुवनेश्वर में, उसके पहले मुझे जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस होते ही पता चलने पर मैंने तुरंत ट्रीटमेंट दिलाया आशु सर ने, ताकि मैं जल्द से ठीक हो जाऊं और उस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल के लिए उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊं। ठीक होते ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किए और जिसके वजह से मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल में। अभी उन्होंने ही मुझे
इतना अच्छा प्रैक्टिस दिलाया कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल में 400 मीटर में पहला स्थान और 200 मीटर में दूसरा स्थान प्राप्त की। इसका श्रेय आशु सर को जाता है। थैंक यू। जहां उनके पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी है और उनकी मां रोजालिया आयद बमुश्किल घर का खर्च चलाते हुए बच्चों की परवरिश में लगी हुई है, इधर उनकी दो बेटियां एथलेटिक्स की तैयारी रांची में रहकर कर रही हैं। मगर वर्तमान में इस परिवार के पास न राशन कार्ड है और न ही बीपीएल कार्ड। इसके अलावा उन्हें पीएम आवास तक नहीं मिला है, जिसके कारण वो कच्चे खपराल घर पर रहने को मजबूर हैं। मगर इसके बावजूद न सरकार न प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो पा रहा है। अभी घर में मम्मी हैं और बड़े भैया बाहर रहते हैं, मजदूरी काम करते हैं, और मेरी एक भाभी है और एक बहन और छोटा भाई घर में रहते हैं। और घर की स्थिति सही नहीं है अभी तो। पहले हम लोग के यहाँ राशन कार्ड भी नहीं बना था, काफ़ी परेशानी हुई। खेती बाड़ी से ही जो प्राप्त होता था उसी से घर चलाते थे, और काफ़ी टाइम जब बाहर दूसरों के खेतों में भी काम करके जो पैसा आता था या जो भी अनाज होता था उसी से घर भर चलाते थे। एथलेटिक्स मीट उसमें 400 मीटर में गोल्ड मेडल और मिक्स रिले में गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो नहीं मिला है अभी। नहीं बना, बन गया होगा या फिर नहीं बना है, हम लोग को नहीं मालूम इतना। तो कल वीडियो सर से बात हुआ था तो उन्होंने कहा कि आपका राशन कार्ड बन गया है। तो अभी जब कजाकिस्तान से खेल के आए तब पूरे अच्छे से मेरा वेलकम किया गया। और अब इसे विडंबना ही कहा जा सकता है। और इधर फ्लोरेंस बारला ने भुवनेश्वर में आयोजित क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस साल चीन में होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में दौड़ के लिए चयनित कर ली गई हैं, जिसके लिए जेके न्यूज नेटवर्क उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि जिस तरह से वो राज्य और देश का नाम रोशन कर रही हैं, उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। उनकी इसी लगन और तपस्या को देखते हुए सरकार भी उनकी परिस्थितियों और उनके परिवार के परिस्थितियों को सुधारने में एक अहम कदम उठाए। इस खबर के ग्राउंड रिपोर्टर हैं गुमला से अजीत सोनी।